हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सास बहू कुकिंग में स्वागत है। आज मैं अपने चैनल में आपको दिखाने जा रही हूँ मेहंदी। फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार मेहंदी जब सीखी थी ना, तो मैंने यही वाली डिज़ाइन लगाई थी। फ्रेंड्स, ये मेहंदी का डिज़ाइन अच्छा भी लगता है और साथ ही साथ बनाना भी बहुत आसान होता है। सिंपल फ्लावर्स और लाइन्स हैं, पर साथ में लगकर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप पहली बार मेहंदी लगा रहे हैं तो आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करिए, बहुत आसानी से लग जाता है। फ्रेंड्स, मैं पेपर पर मेहंदी लगा रही हूँ, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन हाँ, आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रही हूँ। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, सिंपल फ्लावर्स और लाइंस के थ्रू ट्राई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको कुछ टिप्स भी बताती हूँ। जैसे मेहंदी लगाने के बाद आपको चाहिए होता है कि रंग बहुत अच्छा है, कई सारे तरीके होते हैं। मैं क्या करती हूँ, तवे पर रख देती हूँ लौंग 2-3 और इन्हें गर्म होने देती हूँ, और उसका धुआं फिर अपनी मेहंदी सूखने के बाद उस पर ले लेती हूँ। तो लौंग के तेल का जैसे इफेक्ट आता है, वही इफेक्ट इससे भी आएगा। अगर आपके पास लौंग का तेल नहीं है तो सिंपल लौंग को रखिए तवे पर और इसको स्टीम ले लीजिए हाथ पे, तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा आपके मेहंदी का। या फिर अगर लौंग का तेल है तो लौंग का तेल भी लगा सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स, क्या करिए कि जब मेहंदी पूरी सूख जाए और हटा ले मेहंदी, पानी से हाथ मत धोइएगा। सबसे पहले हाथों को झाड़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ऑयल लगा लीजिएगा हाथ पे, तो इससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिंपल एस के थ्रू मैंने कितना अच्छा डिज़ाइन बना दिया ना। फ्रेंड्स, इसी तरह लगाइएगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन लगता है, ये लगने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप देखिए मैं कैसे डिज़ाइन बनाती हूँ। फ्रेंड्स, इस पर मैंने फ्रंट हैंड और बैक हैंड दोनों की मेहंदी लगाई है, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी लगेंगी। आप चाहें तो बैक हैंड की फ्रंट हैंड पर भी लगा सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं या फिर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको थोड़ी मेहंदी कम जमती है या फिर थोड़ा डिज़ाइन उनको कम लगाना होता है, तो आप वो वाली ट्राई कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स शादी में जा रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो उसमें भी मेहंदी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, हाथ भी भरा भरा लगता है, खूबसूरत भी लगती है। और फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं, त्यौहार आ रहे हैं, तीज आ रहे हैं, तो मेहंदी वालों का अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो घर पे ही खुद से मेहंदी लगा सकते हैं। लगाना भी बहुत आसान है और साथ ही साथ फ्रेंड्स बहुत अच्छी भी लगेगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेहंदी मेहंदी की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, फिर कुछ इंक्वायरी है, या फिर जानना है कि और भी मेहंदी पैटर्न्स के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ऐसी वीडियोज़ और ले आऊँगी। और फ्रेंड्स, पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपको डिफरेंट टाइप की रेसिपीज ज़रूर मिलेंगी, तीज त्यौहार पर बनाने के लिए मिठाइयाँ और कई सारे पकवान। अब सबसे पहले इस मेहंदी को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट भी बहुत जल्दी हो जाएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी पूरी मेहंदी को गौर करेंगे तो ज़्यादातर मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स जो बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइनिंग, और उसमें क्या किया है, मैंने अंदर फिल कर दिया है। फ्रेंड्स, इससे तो आपकी मेहंदी भी पूरी भरी भरी लगेगी, बनाना भी बहुत आसान होगा, और फ्रेंड्स सूखने के बाद ना ये और भी अच्छी लगेगी। कभी कभी होता है कि मेहंदी के पैटर्न्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लगने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला पैटर्न ट्राई करिए, सूखने के बाद भी बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स बनाना बहुत आसान होता है। अगर आपको कॉर्न भी पकड़ने में मुश्किल है तो आप आसानी से बना सकते हैं। मुझे पेपर पर कॉर्न पकड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन देखिए कितनी आसानी से मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ, ये पैटर्न भी बहुत ईजी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मेहंदी लगाने पे फोकस करते हैं, पहले फ्रंट हैंड फिर बैक हैंड। ये देखिए फ्रेंड्स, मटका लग चुका है, अब मैं साइड से फ्लावर्स ड्रॉ कर दूंगी, छोटे छोटे फ्लावर्स चारों तरफ से। फ्रेंड्स, इससे फुल फिलिंग भी लगेगी मेहंदी, और आपका क्या होगा ना कि जैसे भरवा तो भरवा, या फिर आपको अगर ये साइड का पैटर्न जो आजकल चल रहा है वो उसी तरह से भी कर सकते हैं। फ्लावर्स मत ड्रॉ करिए, बस इसी को इस तरह से रहने दीजिए, आपका साइड पैटर्न भी हो जाएगा। पर फ्रेंड्स, आप देखेंगे फ्लावर्स से ये बहुत अच्छी लगेगी। आप शादी में जा रहे हैं या फिर कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो आप इस तरह से ड्रॉ करिए, फ्लावर्स बना लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं ये हाथ पे।
फ्रेंड्स, अब हम लोग उंगलियों पर मेहंदी लगाएंगे। सबसे पहले मैं 3 लाइंस खींचती हूँ, आप जैसे देख सकते हैं उनको फिल कर देंगे। जैसे हम लोग पोर्स करते हैं ना, जैसे आपने हक से देखा होगा मेहंदी में करते हैं, वो कर दिया है। पर लास्ट की दोनों फिंगर्स आपने देखा होगा, अंगूठा और उंगली उंगली पर मैंने कुछ नहीं किया है, इस पर सिंपल फ्लावर्स ड्रॉ की है। थोड़ा यूनिक भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और फ्रेंड्स, फिंगर्स पर आप जो चाहें डिज़ाइन वो बना सकते हैं। मैं सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ, आप जैसे देख सकते हैं सिंपल सर्कल्स और लाइंस बना रही हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा फ्रंट एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिंपल लीव्स और सिंपल लाइंस ड्रॉ करके। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स फ्रंट हैंड। अब बैक हैंड की बारी। फ्रेंड्स, बैक हैंड में मैंने फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं छोटे छोटे, एक उंगली से नीचे तक। और फ्रेंड्स क्या करेंगे, अभी सभी उंगलियों को कनेक्ट कर देंगे इससे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चिड़िया बनाई है मैंने साइड से, ये आप देख सकते हैं। अभी जो लाइंस की है उनको भी अच्छे से ड्रॉ कर देंगे, इन पर भी कुछ पैटर्न बना देंगे। पैटर्न सिंपल पैटर्न बनाइए, अच्छा लगता है। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर आपको मेहंदी कम लगानी है तो आप इस तरह से पैटर्न फ्रंट हैंड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये अच्छा लगता है। सिंपल, इजी और साथ ही साथ फुलफिलिंग भी। अभी पार्लर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे ही घर से बना सकते हैं मेहंदी। और फ्रेंड्स, ऐसे और सिंपल पैटर्न जानने के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेहंदी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आपको बताएं अगर आपको और पैटर्न चाहिए तो मैं आपको ज़रूर मेहंदी के और वीडियोस लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर सिर्फ मेहंदी ही नहीं, कुकिंग का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। फ्रेंड्स, मेनली तो कुकिंग का है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें मैं डालती रहती हूँ जब कोई तीज त्यौहार आ रहे होते हैं, तो मेहंदी, रंगोली, ये सब भी।
अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों ऑलमोस्ट मेहंदी तैयार हो चुकी है।